शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये अचानक तूफान कैसे आ गया? वही तो, अभी तो मौसम ठीक था। वार करने एक दूसरे को वरमाला पहनाए। ये तो वही लड़का है, आज फिर आ गया। इसने सुनेरा बेटी को परेशान किया था। राजकुमार घोड़े पर सवार होके आ रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम ए, इसका हाथ छोड़। नानी, वो बदतमीज पागल लड़का दीदी को घोड़े पर उठा के लेके चले गया। क्या? छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी खुशियां जीतना चाहते हो? छोड़ो मुझे, बहुत गलत कर रहे हो तुम, पाप कर रहे हो पाप, तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। मेरा या तुम्हारा? एक दुल्हन को मंडप से उठा लेते हो और फिर उसी से सवाल करते हो, क्यों कर रहे हो ये सब? बस एक माफी मंगवाने के लिए? सुनो लड़की, अभी तुम जानती नहीं हो ये सब। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो। मैं तुमसे माफी नहीं मांगी तो तुमने मुझे मंडप से उठा लिया। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। तुमने हमारे ऊपर एहसान किया था ना, हमारी जान बचा कर, तो आज हमने तुम्हारी जिंदगी बचा करके उस एहसान का बदला चुका दिया। मेरे दिमाग में विघ्न डालकर कौन सा एहसान किया तुमने मुझ पर? विघ्न? विघ्न नहीं डाला, बल्कि तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट से तुम्हें बचाया। कौन सा संकट? ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहे हैं हम। वो जो लड़का जिस महापुरुष से तुम विवाह करने वाली थी, वो विवाह बच्चा तुम्हें बेचने वाला था। छोड़ो मुझे, जाने दो। वाह, कितने गुनी हो तुम। नाटक करना हो या कहानियां सुनानी, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। मतलब? मतलब ये कि उस दिन अव्वल दर्जे का नाटक कर पूरे गांव वालों को अपनी बातों में फंसा लिया, और आज ये झूठी कहानी कहकर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाली, समझे? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो माधव खबरदार, जो माधव जी के बारे में एक शब्द भी कहा। कितने गिरे हुए हो तुम, जो माधव जी जैसे भले इंसान पर कलंक लगा रहे हो। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बस, बस। हम चुपचाप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो मन में आएगा तुम हमें बोलती रहोगी। पहली बात, हमने किसी पर कलंक नहीं लगाया, और दूसरी बात, हमने जो सुना है और जो सच है वही बता रहे हैं। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं, क्योंकि तुम झूठे हो, घमंडी हो और निर्दयी हो। ए लड़के,
मेरी बच्ची, उसके साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है अम्मे माँ? उसने तो आज तक किसी के लिए बुरा सोचा भी नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़का सुनैना बिटिया के पीछे क्यों पड़ा है। अरे सुनैना बिटिया का क्या, अब तो पूरे गांव का नाम बदनाम हो गया। मंडप से दुल्हन उठा के लेके भागा है वो, ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात? ये तो बड़ी शर्म की बात है। अरे ऐसे ही कोई भगा कर मंडप से नहीं ले जाता लड़की को, इसमें जरूर गलती सुनैना की भी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ कर बोल रही हूँ, मेरी बच्ची पर उंगली उठाने के बदले आप लोग उसे ढूंढ कर लाइए। बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ पर, बहुत बड़ा उपकार। मैं तो कहता हूँ जितने भी पैसे और गहने मिले हैं जल्दी से लेकर निकलो यहाँ से। चीजा जी, चीजा जी, आप तो हमारी मदद कीजिए ना, आपने तो पिछली बार भी दीदी को बचाया था ना। आप उन्हें ढूंढ के लेकर आ जाइए जीजा जी। चीजा जी, आप तो दीदी से प्यार करते हैं ना। पहले तो जीजा जी कहने की रट लगाना बंद कर। और हाँ, मेरा ये बेटा तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला जो तुम्हारी चरित्रहीन दीदी से प्यार कर बैठा। देखा कैसे भाग गई ना मंडप से? भागी नहीं है काकी, भगाया, और वो भी उस लड़की ने जबरदस्ती। देखा ना मेरी दीदी कैसे डर के चीख रही थी। हमें क्या पता, क्या पता ये उसका नाटक हो, हम क्या करें। और एक बार मंडप से भागी हुई लड़की से ना दोबारा कोई मंडप पे नहीं बिठाता। हमारा एहसान मानने की बजाय तुम्हारी बुराइयां गिनवा रही हो। सही है, तुम जैसी घमंडी लड़की की मदद करना ही हमारी भूल है। ये चमगादड़ पर आज दिन में कैसे? मन तो कर रहा है तुम्हें ले जाकर इन चमगादड़ों के बीच में फेंक दूं, ताकि तुम्हें समझ में आए वो इंसान जिंदगी बर्बाद करता है उसका क्या हाल होता है। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि बर्बाद होने से बचाई। वो माधव तुम्हें विवाह के पश्चात बेच देता। क्या सबूत है तुम्हारे पास? चुप क्यों हो, है कोई सबूत? हम सच बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तुम ये साबित कर पाते हो कि जो तुमने कहा वो सच है, तो मैं अपना सर तुम्हारे पैर पर रखकर तुमसे माफी मांगूंगी। पर अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम एक अड़ियल, घमंडी, अनुशासनहीन और निर्दय इंसान हो। इस लड़की का तो आज विवाह होने वाला था ना, ये धीराज के साथ यहाँ क्या कर रही है?